हेलो फ्रेंड, ट्रिपल ए चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी क्रोटन प्लांट्स के विषय में। क्रोटन प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे हम इंडोर और आउटडोर दोनों रख सकते हैं। जब भी हम इसे इंडोर रखते हैं तब हमें ज़रूरत होती है इस प्लांट को 10 से 15 दिन के अंदर धूप में रखने की। अगर हम इसे 10 या 15 दिन के बीच में एक दो घंटे के लिए भी धूप में रख देते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। यह प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है क्योंकि इसके लिप्स के ऊपर पैसे देखते हैं अलग अलग कलर के। हमारे पास जो क्रोटन प्लांट्स है अभी यहाँ पर, इसमें आप देख रहे हैं कि ग्रीन लिप्स के ऊपर येलो कलर के पैच दिख रहे हैं जो बहुत ही सुंदर इसको बना रहा है। कुछ प्लांट्स में अलग अलग कलर्स के भी दिखते हैं, ज़्यादा ही खूबसूरत दिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो क्रोटन के प्लांट्स हैं। ये मदर प्लांट्स है, ये जो बड़ी वाली आपको दिख रही है इसी में से मैंने कुछ स्टेम लेकर के यहाँ जो साइड में रखे हैं इसको प्रोपोगेट किए हैं। तो आज मैं आपको इसके प्रोपोगेशन के विषय में बताऊंगी, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि हमारे घर में एक क्रोटन का प्लांट्स हो। क्रोटन प्लांट्स बनाने के लिए हमें एक बेबी प्लांट की ज़रूरत होती है। तो हम अपने किसी भी मदर प्लांट से, आपके पास अगर है तो उसमें से लेकर के, या किसी फ्रेंड के यहाँ से, आस पड़ोस से, किसी भी जगह से, आप अगर आपको एक क्रोटन का स्टेम मिल जाता है तो आप उससे प्रोपोगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टेम यहाँ ली हुई है, आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्रोटन का स्टेम है जो मैंने इस मदर प्लांट से लिए हुए हैं। तो इसमें यहाँ से इस स्टेम में जो मैंने लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक लिप्स थी। कुछ लिप्स को मैंने हटा दिए हैं क्योंकि ज़्यादा लिप्स होने से इसकी फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो कुछ लिप्स मैंने काट दिए हैं और जो आगे के लिप्स यहाँ पर है उसको छोड़ दिए हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये 45 डिग्री पर कटा हुआ है। अब इसको प्रोपोगेट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक कांच का बर्तन, वो चाहे शीशे का ग्लास हो, कांच का ग्लास हो, या आपके पास कांच की बोतल भी है तो भी चलेगा। आप उसमें सिंपल पानी जो आप आमतौर पे प्लांट में डालते हैं वो ले लें और उस कटिंग को जो हमने 45 डिग्री पर कटिंग किया है इसके अंदर डाल दें। आप 10 से 15 दिन के अंदर ही देखेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर रूट्स निकलने शुरू हो गए हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रोपोगेट भी किया हुआ है और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि इस बोतल के अंदर 3 स्टेम्स हैं जिसमें मैंने 2 को 10 दिन पहले डाले थे और 1 स्टेम को मैंने लगभग 1 महीने पहले डाले थे। मैं यहाँ पर आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये जो आप 2 स्टेम जो लगभग इक्वल इसके रूट्स हैं ये 10 दिन पहले डाले थे, आप बहुत आसानी से इसे देख पा रहे होंगे। और ये जो है 1 महीने पहले डाले हुए थे, इसके रूट्स काफ़ी बड़े हो गए हैं और थोड़े ग्रीन कलर के हो गए हैं। शायद इसके ऊपर क्लोरोफिल आ गया है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पॉट के अंदर रखा हुआ था। अब इन तीनों ब्रांच को पकड़ करके मैं इस तरह से एक जगह करके किसी धागे के सहारे इसको बांध करके यूँ कर लूँगी और इसे किसी मिट्टी के पॉट में लगा दूंगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई पॉट नहीं है इसलिए मैंने इसमें इसको रख के छोड़ा है। जैसे ही मेरे पास पॉट आ जाता है मैं इसको पॉट के अंदर डाल दूंगी, मिट्टी के अंदर डाल दूंगी ताकि एक बड़ा सा प्लांट तैयार हो सके। तो उम्मीद है आपको ये प्रोपोगेशन का तरीका समझ में आ गया होगा और आप भी अपने घरों में इस तरह से करके आप एक मदर प्लांट का रूप दे सकते हैं किसी भी छोटे से स्टेम को। धन्यवाद।